बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू ऐड सोशल मीडिया एंड यूट्यूब लिंक्स इन टू योर वेबसाइट एंड डिज़ाइन योर वेबसाइट के टॉपिक के साथ मैं हूं सादली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट में अपने यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन और फेसबुक पेज और इस तरह से ट्विटर वगैरह के अकाउंट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट का थोड़ा व्यू जो इंटरफेरेंस है वो थोड़ा खूबसूरत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये साइड पे शो नहीं हो रहा, आप अगर आपके पास भी इस तरह से शो ना हो तो आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और सेटिंग पे चले जाना है, अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से 75% सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया टॉप, ये जो यहाँ पे आइकॉन शो होंगे सोशल मीडिया के, ठीक है, हम उसे ऐड कर लेते हैं। इसी तरह तरतीब से मैं आप लोगों को नीचे तक सिखाता जाऊँगा। यहाँ पे आप नंबर कर लें, कितने नंबर आप 5 करना चाहते हैं या 2 करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जी प्लस, ठीक है। उसके बाद ऐड, यहाँ पे लिखूँगा ट्विटर ऐड। उसके बाद सेव, सेव आर्गुमेंट्स, उसके बाद व्यू ब्लॉग, ठीक है। ये देखें गूगल प्लस और इसके साथ ही ट्विटर का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा फ़िलहाल लोड होने में। तो सॉरी, अगर आपके पास ये शो ना हो तो आपने दोबारा से आना है। ये देखें ना, यहाँ पे ये शो हो गया है गूगल प्लस, ठीक है। अगर ना हो, ट्विटर का नहीं हो रहा, आप दोबारा से आएँ, लेआउट में एडिट पर क्लिक करें और इसे ट्विटर वाले को दोबारा एडिट करें और यहाँ पर टी को छोटा लिखें, ठीक है। दोबारा से सेव आर्गूमेंट्स, आपने जो भी वर्ड लिखना है, जो भी सोशल मीडिया आइकॉन ऐड करना चाहते हैं उसका जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो छोटा रखना है। दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ट्विटर भी आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा से इस पर अपने लिंक्स वगैरह ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये गूगल वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका लिंक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ .com। सेव, उसके बाद सेव, दोबारा से सेव आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें गूगल प्लस वाला ख़त्म हो गया। अब मैं इसे एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखें ये मेरा जो ट्विटर का अकाउंट है वो यहाँ पे ऑन हो गया है। तो मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। इस तरह से आप टॉप पे सोशल मीडिया आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं। अब हम जो मेन्यू है ये वाला, इसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पर आपने एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं 3 ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो हम टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, ऐड लिंक। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। उसके बाद ऐड, यहाँ पे लिख देते हैं सम एंटरटेनमेंट, ठीक है। सेव, उसके बाद दोबारा से सेव आर्गुमेंट्स, उसके बाद यहाँ से दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हमारे आगे यूट्यूब ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। अब हम इनके नीचे इनकी और थोड़ी थोड़ी सी शाखें जो शो होंगी वो हम ऐड करेंगे, मतलब कि इसके नीचे पॉइंट, यूट्यूब के नीचे, टिप्स एंड ट्रिक्स के नीचे और इनके भी नीचे शो होंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से एडिट पर क्लिक करता हूँ और सॉरी, यहाँ से हमने एंटरटेनमेंट को ऐड नहीं किया, अभी दोबारा से ऐड कर लेते हैं। ऐड लिंक, सेव, सेव आर्गुमेंट्स, उसके बाद दोबारा से रीलोड करते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट आ गया। हम एंटरटेनमेंट की थोड़ी सी शाखें वगैरह बना देते हैं, थोड़ा सा और इसको ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम इसे एडिट करेंगे और एंटरटेनमेंट के सामने छोटी ब्रैकेट या जो जिसे भी आप जो भी बोलते हैं इसे वो लिख के यहाँ पर लिख देते हैं ये फ़नी, वीडियोस, ठीक है, और सेव। उसके बाद सेव, दोबारा से सेव आर्गुमेंट्स और यहाँ से रीलोड, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट, उसके साथ फ़नी वीडियोस आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फ़नी वीडियोस इसके नीचे लिखा है तो इसके लिए आप लोगों ने दोबारा से जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, इसे दोबारा से एडिट करना है और यहाँ से इसे रिमूव कर देना है, सेव। और यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डबल डॉट, ठीक है, ये ऐड करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे फ़नी वीडियोस, उसके बाद ऐड लिंक,
ठीक है, आप जिसके नीचे ऐड करना चाहते हैं उसके नीचे ले आएँ इसे, इसे हम नीचे इंटरटेनमेंट के नीचे लेके आना चाहते हैं तो इस तरह से ये इसके नीचे ले आएँ, उसके बाद सेव पे क्लिक करें, दोबारा से फिर सेव आर्गूमेंट्स, ठीक है। और दोबारा को लोड करके दिखाता हूँ ये किस तरह से शो होगा। तो ये देखें, ये इसके साथ नीचे शो हो रहा है। सॉरी, ये अभी भी दोबारा से शो हो रहा है, हम दोबारा से लेआउट में जाएंगे, इसे एडिट करेंगे, ठीक है, एडिट पे क्लिक करेंगे और दोबारा से इसे यहाँ से ये जो फनी वाला है इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब दोबारा से इसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, इंटरटेनमेंट, उसके बाद कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी आपने, यहाँ पे जो बड़ी ब्रैकेट है वो लगा देनी है, उसके बाद यहाँ पे फ़नी लिख देना है, उसके बाद दोबारा से बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद सेव और सेव सेव आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब दोबारा से रीलोड करके देखते हैं किस तरह से शो हो रहा है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, जैसे ये ट्विटर वाला थोड़ा मसला कर रहा था, और ये भी खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा थोड़ी देर तक। तो हम मज़ीद एडिटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फीचर सेक्शन, मतलब कि ये जो यहाँ पे हमारी जो पोस्ट वगैरह शो हो रही हैं, यहाँ पे पोस्ट वगैरह शो होंगी, और ये मेन वॉलपेपर, ठीक है, और ये साइड में कुछ साइड बार जो हैं ये वाली, इसे कैसे एडिट करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट शो हो रहा है ये फेसबुक, ठीक है, उसके बाद एड्स, उसके बाद फीचर्स, ठीक है, ब्लॉग आर्चिव, ठीक है। हम यहाँ से ये ब्लॉग आर्चिव और पेजेस और पेज मेन्यू वाला जो है वो डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं। तो हम यहाँ से पेज मेन्यू इसे यहाँ से रिमूव करते हैं, उसके बाद ये ब्लॉग आर्चिव, आपने एडसेंस वगैरह वाला सारा रहने देना है, ओके। अब मैं आपको रीलोड करके ये अबाउट अस वाला भी थोड़ा यहाँ से रिमूव करते हैं, चलो आपको अभी फ़िलहाल यही रीलोड करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से वो ख़त्म हो गया, ठीक है, और ये पेजेस होम ये शो हो रहा है, ये होता रहने दें आप, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप मज़ीद किस तरह से इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था हाउ टू डिज़ाइन योर वेबसाइट।